हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले ज़ेब लूसिड प्रो माइक्रोफोन की। ये वाला जो माइक्रोफोन है तकरीबन 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आपको मिलता है, एंड इस माइक्रोफोन को आप Amazon से परचेस कर सकते हैं अगर आपको रिव्यू पसंद आता है। एंड अगर आप इस माइक्रोफोन को परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चैनल की भी हेल्प हो जाती है। माइक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई, तो करते हैं आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, एंड देखते हैं भाई इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, कैसा वॉइस कैप्चर करता है, कितनी दूर से करता है, कितनी नॉइस कैप्चर करता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ज़ेनिक्स टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड। ज़ेनिक्स टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक कंप्यूटर फर्म है जो कि इंदौर में लोकेटेड है, एंड ये लोग ऑल इंडिया शिपिंग करते हैं अपने पीसी कंपोनेंट्स की, पीसी पेरिफेरल्स की। यहाँ से आप कस्टमाइज्ड गेमिंग पीसी भी बनवा सकते हैं, एंड इन लोगों के पास में प्रीबिल्ड गेमिंग पीसी भी मिल जाते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट है पीसी से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड, इस रिक्वायरमेंट को ज़ेनिक्स टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड इजीली फुलफिल कर सकता है। आप इंडिया के किसी भी कोने में से बैठ करके ज़ेनिक्स टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड वो ऑर्डर प्रॉपर सेफ्टी के साथ में आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ज़ेनिक्स टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट का लिंक एंड उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाय द वे, मेरे पीछे जो पीसी बना हुआ है वो भी मैंने ज़ेनिक्स से ही बनवाया है, एंड काफी इनके सही रेट्स हैं एंड काफी सही प्राइस पॉइंट, तो जाकर के वेबसाइट को जरूर से चेकआउट करना। बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और सबसे पहले डब्बा खोल कर लेते हैं ज़ेब लूसिड प्रो माइक्रोफोन का। तो कुछ इस तरीके के बड़े से बॉक्स में आपको ये माइक देखने के लिए मिलता है। यहां पर माइक की एक्चुअल इमेज दी गई है, यहां पर लिखा गया है प्रीमियम माइक्रोफोन ज़ेब लूसिड प्रो, एंड यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहां पर आपको यूएसबी इंटरफेस मिल जाता है, हाई सेंसिटिविटी कंडेंसर माइक यहां पर दिया गया है, मेटल बॉडी का माइक है, डेस्कटॉप माउंट यहां पर आपको मिल जाता है, पॉप फिल्टर विद फ्लेक्सिबल नेक यहां पर आपको दिया गया है, प्लग एंड प्ले वाला है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो, कार्डियोइड पोलर पैटर्न यहां पर आपको मिलता है, सस्पेंडेड सीजर आर्म भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, एंड 2 मीटर की यहां पर आपको यूएसबी केबल दी गई है। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहां पर आपको कुछ प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, एंड यहां पर मेंशन किया गया है इसका प्राइस 4499 रुपए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 2500 के आसपास आपको ये माइक मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं अमेजोन से भी कर सकते हैं, एंड ज़ेनिक्स टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड से भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं भाई बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स को ओपन करना है, एंड यहां पर मैंने बॉक्स को ओपन, ओ माय गॉड, हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स को ओपन करना है, एंड यहां पर आप देखेंगे तो ढेर सारा मटेरियल आपको इस बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं क्या क्या यहां पर मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक पॉप फिल्टर दिया गया है फ्लेक्सिबल नेक के साथ में, इसको साइड में करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर आपको एक विंड फोम दिया गया है जो कि काफी काम आता है भाई नॉइस रिडक्शन करने के लिए, तो ये काफी सही चीज है। एक 2 मीटर की यूएसबी केबल यहां पर आपको दी गई है, ये काफी सही बात है, यहां पर आपको यूएसबी केबल अच्छी खासी लंबी दी गई है। उसी के अलावा यहां पर आपको एक शॉक माउंट मिल जाता है, एंड यहां पर रखा हुआ है आपका एक्चुअल माइक जो कि काफी सही क्वालिटी का लग रहा है, एंड प्रॉपर मेटल बिल्ड के साथ में आता है, एंड जो मैश भी दिया गया है वो भी मेटल का है और काफी सही क्वालिटी लग रही है। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, एंड उसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स में आपको और क्या मिलता है। तो यहां पर आपको दिया गया है एक स्टैंड, एक क्लैंप दिया गया है, एंड उसी के अलावा यहां पर आपको मिलता है एक सीजर आर्म, काफी सही क्वालिटी का सीजर आर्म ये लग रहा है, एंड मेटल की जो क्वालिटी है वो काफी सही है, काफी स्टर्डी सीजर आर्म है। तो इसको भी अपन साइड में रख लेते हैं। भाई बंद कैसे होगा ये, ओके, तो इसको भी थोड़ी देर साइड में रखते हैं एंड देखते हैं इसके अलावा आपको बॉक्स में क्या मिलता है। तो यहां पर आपको एक डेस्क क्लैंप दिया गया है, एंड इसको आपको अपनी डेस्क पर कस देना है। तो ये सब थे बॉक्स कंटेंट। हाँ भाई, एक पेपर वर्क भी दिया गया है जिसको शायद ही आपको पढ़ने की जरूरत मिलेगी क्योंकि इसको इंस्टॉल करना काफी इजी है। तो ये तो मैंने आपको बॉक्स कंटेंट बता दिया, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, एंड उसके बाद में इसका क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं।
हाँ जी दोस्तों, तो माइक हमने हमारा इंस्टॉल कर लिया है और जैसे आपने प्रोसेस को देखा काफी इजी प्रोसेस है, फटाफट से आपका माइक जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। केबल आपको नीचे से गुजरनी है, दूसरा एंड आपको अपने कंप्यूटर में लगाना है एंड प्लग इन प्ले का फीचर यहां पर आपको मिलता है। बस प्लग करते ही ये जो माइक है ये आपके विंडोज सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो आ रही है इस माउनो के AU-A04 माइक से एंड नाउ मैं इसको स्विच करता हूँ ज़ेब्रोनिक्स वाले माइक पर और आपको बताता हूँ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी मिलती है। एंड अब जो आप आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है ज़ेब्रोनिक्स के ज़ेब लूसिड प्रो माइक्रोफोन से। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वॉइस में कितना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। मैं आपको अच्छे से चेक करा देता हूँ। हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये मैं काफी पास से बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस की जो पीछे वो काफी कम हो रही है एंड ये जो माइक है मेरे हिसाब से काफी कम वॉइस कैप्चर कर रहा है। आई डोंट नो ये डिफेक्टेड है कि क्या है या ऐसा ही माइक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए, कंपेयर किया जाए मेरे माउनो AU-A04 के साथ में, भाई तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो माइक है माउनो का ये काफी सही वॉइस कैप्चर करता है एंड इस वाले माइक में मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत लग रही है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, बाकी की बात अपन उस वाले माइक से करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ऑडियो कैप्चर करने में कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। मेरा जो माउनो का माइक है माउनो AU-A04, उसमें इतने बड़े बड़े स्पाइक यहाँ पर रजिस्टर हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर एंड जब मैंने ज़ेब्रोनिक्स के माइक को मुंह के इतने पास भी रखा था तब भी इतने छोटे छोटे से स्पाइक निकल के आ रहे थे। वॉल्यूम जो है वो काफी कम है, ऑडियो कैप्चर काफी लो होता है एंड मेरे हिसाब से 2500 रुपए कचरे में डालने से कोई सेंस नहीं है भाई, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है एंड काफी डिसअपॉइंट किया भाई इस माइक ने मेरे को, काफी ज्यादा मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया है। लेकिन कोशिश करते हैं कि रिटर्न हो जाए, इसके बदले में अपने को कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा तो अपन वो ले लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से ये वाला जो माइक है आई डोंट थिंक कि परचेस करने लायक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि वॉइस क्वालिटी जो थी वो कौन सी बेटर थी, अभी बेटर आ रही है या ज़ेब लूसिड प्रो से बेटर आ रही थी। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.